हेलो दोस्तों, मैं आपको भाई एसएसजी सामने अपने खड़ी है 2023 मारुति सुजुकी लोड एस्प्रेसो। लोड एस्प्रेसो ऐसे ही नहीं कहा जाता भाई। कैपेसिटी कितनी है? 5 बंदों की कैपेसिटी है एस्प्रेसो के अंदर। इसमें भाई 7 से 8 बंदे भी आ जाते हैं, इसलिए तो कहा जाता है भाई इसको महिंद्रा स्कॉर्पियो, मिनी स्कॉर्पियो कहा जाता है। इसको नाम दे रखा कुछ भाइयों ने। आ जाते हैं लाइट असेंबली पे। यहाँ पे देखते हैं आपको रिफ्लेक्टर बेस नॉर्मल हैलोजन सेक्शन मिलता है, यही अपना लो बीम का हाई बीम का काम करता है। नीचे की साइड देखते हैं तो अपना ये मिल जा रहा पायलट लैंप, ये अपना इंडिकेटर, पूरा सेक्शन इस तरह से मिल जाता है। शेप को देखते हैं किसकी अद्लता, स्कॉर्पियो की अद्लता। नीचे देखते हैं ये जो पार्ट मिल जा रहा है, कोई भी फोग लैंप नहीं मिलता, बॉडी का पार्ट मिल जा रहा है, पर भाई आपको ऑप्शन मिल जा रहा है लगवा लेना। साथ ही साथ नीचे की साइड की बात करें, ऑल ब्लैक रेडिएटर मिल जा रहा है मैट ब्लैक फिनिश में। इस तरह से आपको पूरा रेडिएटर मिल जाता है, बड़ा सा रेडिएटर मिल जाता है। अपना ग्रिल का भी काम करता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे अपना सुजुकी का लोगो मिल जाता है 3D में। क्योंकि क्यों बोला मैंने, यहाँ पे जो आपको ग्रिल ऑफर की जाती है, छोटी सी ग्रिल मिलती है, तो भाई उसके बदले आपको ऑल ब्लैक बड़ा सा रेडिएटर दे रहा है भाई। ये अपना काम चला लेना ग्रिल का। इस तरह से चौड़ाई की बात करें तो सामने की 1520 mm गाड़ी की विड्थ मिल जाती है। रोड प्रेजेंट बिल्कुल SUV की तरह लगती है सामने देखने में। इस तरह से मस्कुलर लुक मिल जाते हैं एस्प्रेसो के भाई, अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरह लगती है सामने देखने में। इस तरह से फ्रंट प्रोफाइल हो जा रही है, डन। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में। ये है कुछ अपनी साइड प्रोफाइल। बात करें टोटल लेंथ की, कितनी मिल जा रही है, 3565 mm गाड़ी की लेंथ मिल जाती है। आ जाते हैं देख लेते हैं, नजर में आ रहे हैं अपने बड़े बड़े व्हील कैप आपको ऑफर किए जाते हैं। 5 वाले आपको व्हील कैप ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे अपनों को फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर साइड में ड्रम ब्रेक। इस तरह से सिल्वर कलर के आपको व्हील कैप अपने, यहाँ पे अपनों को डिस्क ब्रेक हो गया। पूरी प्रोफाइल की बात करें कितनी मिल जा रहा है, पूरा जो टायर सेक्शन है अपना, ये मिल जा रहा है कितना मिल जा रहा है भाई, ये मिल जा रहा है 165/70R 14 inch की पूरी प्रोफाइल मिल जाती है। इस तरह से आपको टायर की MRF का टायर ऑफर किया जाता है, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं फेंडर पे। फेंडर पे देखते हैं अपना हैलोजन में जो इंडिकेटर होता है पीला वाला बल्ब ऑफर किया जाता है। यहाँ पे इस तरह से मिल जा रहा है आपको, क्या है भाई, ये अपना मिल जा रहा है सेम बॉडी कलर अपना, और भी मिल जा रहा है, इंडिकेटर नहीं मिलता। ए पिलर को देखते हैं, बॉडी कलर ऑफर किया जाता है, अच्छी बात है अपना बॉडी कलर ये बिल्कुल। इस तरह से ए पिलर बी पिलर बड़े बड़े आपको बॉटम मिलते हैं। ये जो पार्ट है अपना भाई बी पिलर में, ये अपना ब्लैक्ड आउट मिल जा रहा है, सेम बॉडी कलर डोर हैंडल है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बात ही बात काय की बात रहती है, अब रहती है भाई गाड़ी की लेंथ, मैंने बता दिया कितनी मिल जा रही है, 3565 mm। व्हील बेस की बात करें, ये मिल जा रहा है 2380 mm का। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें, 180 mm का, 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है, बहुत बढ़िया। इस तरह से मिल जा रही है साइड प्रोफाइल, और क्या है यहाँ पे, रियर साइड में ड्रम ब्रेक है। फ्यूल फिलर कैप की बात करें, ये मिल जा रहा है 27 लीटर की पेट्रोल में आता है, अपना कैपेसिटी मिल जा रही है 27 लीटर की। आ जाते हैं एक बार अपनी बैक प्रोफाइल में रियर की तरफ। ये है कुछ बैक प्रोफाइल रियर के लुक अपने। विड्थ की बात करें तो चौड़ाई मिल जा रही है, कितनी मिल जा रही है, 1520 mm, फिर से बता देता हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको 3D में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और उसके नीचे देखते हैं मैनुअली की लगानी पड़ेगी आपको। इस तरह से आपको चाबी का ऑप्शन मिल जाता है, लगा ले भाई, हाँ लगा ही लेते हैं भाई। बूट स्पेस देखते हैं कितना मिल जा रहा है बूट स्पेस। ये है कुछ अंदर के नज़ारे। बूट स्पेस की बात करें, सबसे पहले एडजस्टेबल पार्सल ट्रे मिल जाती है। इस तरह से बूट स्पेस कितना मिल जा रहा है, 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कहाँ गया अपना स्पेयर बेल्ट टायर, ये है भाई स्टील रिम ऑफर किया था, व्हील कैप नहीं आता, पर आपको मिल जा रहा है इस तरह से बूट स्पेस। मैंने बता दिया अपना कितना मिल जा रहा है, 240 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपनों को एस्प्रेसो की बेजिंग मिल जाती है क्रोम के साथ। टेल लैम्प की बात करें, यहाँ पे अपनों को ब्रेक लाइट होगी, ये अपना इंडिकेटर होगी हैलोजन में, ये अपनी रिवर्स लाइट होगी। पूरा जो सेक्शन है टॉप मॉडल में भी अपना हैलोजन में, ये अपना रिफ्लेक्टर हो गए, पार्किंग सेंसर, हाँ दो पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, नंबर प्लेट की जगह मिल जा रही है। इस तरह से बैक प्रोफाइल है, कोई भी बाइफर डिफोगर नहीं मिलता, रियर हाई स्टोन माउंट लैंप हो गया, स्पॉइलर नहीं मिलता आपको। इस तरह से बैक प्रोफाइल हो जा रही है, डन। आ जाते हैं भाई की पे, की नहीं दिखाई मैंने, ये है कुछ की। यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल लॉकिंग की ऑफर की जाती है, लॉक अनलॉक के 2 बटन मिलते हैं अपने। पीछे की साइड देखते हैं सुजुकी का लोगो मिल जाते हैं। दूसरी की नॉर्मल आपको बेसिक सी की ऑफर की जाती है, इस तरह से की है। साथ ही साथ आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में क्या क्या ऑफर, उससे पहले देखो भाई बिग साइज का एंटीना ऑफर किया जाता है अपने आगे की साइड। इसको भाई अनलॉक करना पड़ेगा, हो चुकी है अपनी गाड़ी अनलॉक। डोर ट्रिम की बात करें, ये है कुछ डोर ट्रिम, पूरा आपको ब्लैक में ऑफर किया जाता है, कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते, हार्ड टेक्सचर मिलता है, ये अपना डोर हैंडल हो गया मैट ब्लैक फिनिश में, बहुत बढ़िया। और क्या चीज़ है यहाँ पे, अपने को बोतल स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर नहीं दिखाई दे रही है। आ जाते हैं सीट के ऊपर। सीट की बात करें अपने अंदाज में, सीट तो अपनी फैब्रिक की मिल जा रही है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करते हैं, इस तरह से मिल जा रही है,
बहुत बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट, सीटिंग की बात करें काफी ऊंची मिल जाती है भाई। की को लगा देते हैं टू टू, जो बुलाने में मजा आया ना वो अलग ही लेवल का आता है फीलिंग। ये है कुछ क्या बात है, आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में और बैठ लेते हैं, क्या क्या ऑफर किया जाता है अपना इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले करते हैं अपने गेट को यहाँ से बंद, बाहर का शोर हुआ बंद। ये है कुछ इंटीरियर, अंदर का माहौल नजारे कुछ इस तरह से मिल जा रहे हैं। यहाँ पे देते हैं हेड डिटेक्चर हो गया अपना, यहाँ पे भी हेड डिटेक्चर पर आपको ब्लैक ही मिलता है, कोई भी डुअल टोन इंटीरियर नहीं मिलता। देख सबसे पहले सीट की बात करते हैं, सीट ना भाई बहुत जबरदस्त सीट मिल जा रही है। सीट की जो हाइट है ना वाकई में आपको राजा वाली फील कराती है, साफ दिखता भाई बोनेट तक दिखता है। एस्प्रेसो के अंदर बैठने में सीट की हाइट बहुत ऊंची मिल जा रही है रियली। ये है कुछ स्टीयरिंग, यहाँ पे अपना सुजुकी का लोगो, एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट दबा के देखें क्या एक बार। हाँ भाई दबता पी पी बोल रहा है। ये अपने कंट्रोल मिल जा रहे हैं अपने मल्टीमीडिया के इधर के, जो कि अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे अपने ये हो गए टेलीफोनिक और अपने वॉइस कमांड के, तीनों ऑप्शन अपने प्यारे से ये मिल जा रहे हैं। गोल स्टीयरिंग है, देखो भाई रीजन सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसमें आपको कोई भी अपना जो एडजस्टमेंट होता है ना यहाँ पे लीवर जो होता है वो इसमें एस्प्रेसो में नहीं मिलता, क्योंकि भाई ऑलरेडी जो स्टीयरिंग की जो पोजीशन है वो काफी अच्छी रखी गई है। किसकी वजह से, सीट की वजह से, क्योंकि सीट की जो पोजीशन है वही आपकी ऑलरेडी पहले से ही आपको ऊंची मिल जाती है, इसलिए जो सीट की पोजीशन, स्टीयरिंग की पोजीशन, सीट की पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग रखी गई। यहाँ पे अपने वाइपर के कंट्रोल हो गए, ये अपने हो गए लाइट के कंट्रोल, इस तरह से सामने के नजारे। आ जाते हैं सेंटर कंसोल में, ये रहा, यहाँ पे अपनों को सिल्वर थिंकिंग मिल जा रही है। सबसे पहले टुक टुक को बंद कर लेते हैं अपने, टिकटॉक बजता रहता है भाई, मैंने बंद कर लिया है। ये अपने सामने के नजारे, यहाँ पे देखते हैं आपको MID मिल जा रही है, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे शो करेगा, जैसे कि अपनी ट्रिप हो गई AV और उसी के साथ साथ अपना फ्यूल गेज वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे देखा कितनी चल गई। यहाँ पे अपने लाइट के सेक्शन हो गए, सामने अपनी स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे कितनी भगा रहे हो ना आप सब कुछ दिखाएगा भाई, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी के अंदर। आ जाते हैं नीचे की साइड, तो यहाँ से इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इस तरह से जब टच करते हैं आप। यहाँ पे अपनों को टच स्क्रीन मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले केबल जो होता है ना उसके थ्रू आप चला सकते हैं। यहाँ पे अपनों को फ्रंट के जो पावर विंडो यहाँ पे मिल जा रहे हैं दोनों अपने, जो कि विंडो पे क्लीन मिलता है, विंडो पे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे अपनों को वही अपना टुक टुक का ऑप्शन मिल जा रहा है। आ जाते हैं नीचे, तो ये अपनों को AC के और जो टेम्परेचर के कंट्रोल मिल जा रहे हैं, मैनुअली आपको करने पड़ेंगे, इस तरह से लीवर दे रखे हैं। वाह भाई बहुत तेज चलता है, देखो एकदम से स्पीड पकड़ता है, बहुत शानदार। यहाँ पे अपने को 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे USB का सपोर्ट हो गया, फीचर तो ऑलमोस्ट सभी मिल जा रहे हैं आपको जरूरत के। यहाँ पे अपने को फोन रखने के लिए इस पे 2 का फोल्डर हो गया। ये गाड़ी का गियर नोक है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ट्रांसमिशन मैनुअल इस तरह से आपको मिल जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ड्राइव साइड की बात करें तो कोई भी आपको मिरर नहीं मिलता टिकट होल्डर में, IR भी हम आपको मिल जा रहा है, मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अपना भाई बड़ा सा कूलिंग का माइक मिलता है, एक ही मिलता है भाई। देखो भाई और गाड़ियों में 2 मिलते हैं, यहाँ पे 1 दे दिया, पर आपको बिग साइज का दे दिया 2 के बराबर 1 ही। ये अपना हो गया हैलोजन लैंप, बहुत बढ़िया सनरूफ है नहीं गाड़ी में। ये अपना हो गया एयरबैग की बैजिंग, और कुछ नहीं मिलता आपको मिरर वगैरह अपना। यहाँ पे अपने को AC के वेंट्स एक ये 2 वेंट ये हो गए, एक ये अपना 3 एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, ग्लब बॉक्स, हाँ भाई ग्लब बॉक्स है, मोटी मोटी ज्ञान की किताबें आ जाएंगी पढ़ने की। ये अपना ग्रैब हैंडल फिक्स वाला, इस तरह से है ओवरऑल इंटीरियर, अंदर से कुछ जो कि मस्त लगता है। बात आ जाती है गाड़ी के रियर साइड में, उसको और देख लेते हैं साथ ही। अब बात आ जाती है गाड़ी के रियर साइड की, इंटीरियर इस तरह से हो जा रहा है डन, जरूरत के सारे फीचर आपको मिल जा रहे हैं, कीमत की बात, इंजन की बात आगे करेंगे। आ जाते हैं रियर साइड में, बैक की बात करें, यहाँ पे इस तरह से आपको ऑल ब्लैक अपना डोर ट्रिम ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको देखते हैं मैट ब्लैक फिनिश में अपना डोर हैंडल हो गया आगे की तरह। यहाँ पे मिस करेंगे पावर विंडो को, पावर विंडो नहीं मिलती, इस तरह से आपको ठुंटी दे रखी अपना हैंडल, इसी को घुमाना पड़ेगा। कोई भी स्पीकर वगैरह पीछे आपको नहीं मिलता, अंडर थाई सपोर्ट मस्त मिल जाती है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो एस्प्रेसो के अंदर 1 नंबर मिल जाती है। बैठ लेते हैं गाड़ी के अंदर, स्पेस की बात करते हैं, ड्राइवर साइड पीछे कर रखी है, उसके बाद भी जो स्पेस बचता है ना अच्छा खासा स्पेस बच जाता है। रीजन क्या है भाई, यही सबसे बड़ा रीजन है, सीट की जो पोजीशन है काफी ऊपर तक मिल जाती है, कुशनिंग बढ़िया मिल जाती है। यहाँ पे आपको बड़ा सा बोतल स्पेस मिल जाता है, 2-3 लीटर की बोतल आ जाएगी अपनी। हेडरेस्ट की बात करें पीछे के फिक्स मिलते हैं, आगे के भी आपको इंटीरियर के फिक्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे अपना ग्रैब हैंडल हो गया, पीछे से देखते हैं इस तरह से आपको मिल जा रहा है पूरा व्यू जब पीछे से देखते हैं। 4 मिलते हैं एडजस्टेबल, आपको नहीं मिलते, 4 के 4 फिक्स मिल जाते हैं हेडरेस्ट अपने, इस तरह से हो जा रही है डन रियर साइड।
अब बात कर लेते हैं गाड़ी की कीमत की, कीमत के ऊपर साथ ही साथ कीमत से पहले देख लेते हैं गाड़ी का इंजन। इंजन की बात करें 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है। के सीरीज का K10 सी इंजन ऑफर किया जाता है जो कि अपनी पावर प्रोड्यूस करता है 66 BHP 89 NM का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करता है। पावर फिगर कुछ इस तरह से है। वेरियंट फिर से बता देता हूँ एक बार नहीं बताया तो, BXi+ टॉप वेरियंट अपने सामने है, BXi+ नाम से आता है। बात करें गाड़ी की कीमत की तो एक्स शोरूम पर जा रहा है 5,50,000 एक्स शोरूम पर जा रहा है। ऑन रोड की बात करें सब कुछ मिला के 5,98,000 आपको ऑन रोड पर जा रहा है। अब बात रहती है गाड़ी के सेफ्टी की, सेफ्टी की बात करें तो आपको 2 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सारे आपको फीचर मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक वगैरह सारे आपको नंबर मिल जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो से वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप दिल से शुक्रिया।